तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी की, आप बोल सकते हैं एवरी सैमसंग गैलेक्सी के ऐसी हिडन टिप बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं ऐसी एक सेटिंग बताने वाला हूँ जिसको आपको अपने मोबाइल में एवरी मंथ करना चाहिए। हर महीने आपको ये चीज अपने मोबाइल में करना चाहिए, इससे आप काफी हद तक अपने मोबाइल को सेव कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती है। तो थैंक यू दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग पे जाने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाला, आपको उसमें जाना है। उस पर जाने के बाद आप देखेंगे आपको ऐसा एक ऑप्शन दिख रहा होगा, एक सजेशन आ रहा होगा अलर्ट टाइप का, और नीचे आप देखेंगे इस अलर्ट में क्या दिया है, योर फोन हैज नॉट बीन स्कैन फॉर अ मालवेयर इन अ लॉन्ग टाइम। अगर आपने इसको लॉन्ग टाइम से स्कैन नहीं करा तो आपको बता रहा है भैया अपने मोबाइल को स्कैन कर लो, इसमें आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है मालवेयर की। नीचे की तरफ आएंगे तो सब जगह टिक बता रहा है, जैसे लॉक स्क्रीन ओके, अकाउंट्स ओके, फाइंड माई मोबाइल ओके, पर ऐप सिक्योरिटी में आपको दिख रहा है अटेंशन का निशान आपको दिख रहा होगा, और नीचे की तरफ आएंगे अपडेट ओके, प्राइवेसी ओके। तो ये आपको हर बार ऐसे ही ऑप्शन देगा, जब अगर आप इसको मंथली या फिर उससे ऊपर अगर अबव जाएंगे, अगर आप स्कैन नहीं करेंगे तो आपको खुद अलर्ट करके बताएगा भैया आपको स्कैन करना जरूरी है। तो स्कैन करने के लिए आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से गो टू डिवाइस पे, उसमें भी जा सकते हैं। अगर यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा बैटरी एंड डिवाइस केयर वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आपको उसके अंदर चले आना है। डिवाइस केयर वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको नीचे दिखेगा स्कैन नीडेड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, डिवाइस प्रोटेक्शन के अंदर आप देख रहे होंगे आपको दिख रहा होगा, आपको उसके अंदर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद वो जैसा कि बता रहा है कि लास्ट आपने कब चेक कराया, तो आपको डेट बता देगा, जैसा कि मेरे पास बता रहा है मैंने लास्ट चेक करा था 2022 12 27, मतलब 27 दिसंबर 2022 को मैंने लास्ट बार चेक किया गया था और उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई थी, बट आपको अब चेक करने के लिए बोल रहा है। तो आपको यहाँ पर स्कैन फोन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्कैन फोन पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी एप्स आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है ये सारी ऐप को यहाँ पर चेक करेगा, कोई मालवेयर तो नहीं, कोई वायरस तो नहीं, या कोई ऐसी ऐप तो नहीं चला रहा है जिससे आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो पूरा ये चेक करेगा। तो उसको चेक करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो उसको होने देते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं ये हो गया है पूरी तरह से स्कैन, और आपको वहां पर मैसेज आ गया है नो थ्रेड फाउंड का, लिए हो चुका है चेक। चेक करने के आप देखेंगे आपको यहाँ पर आ भी चुका है नो थ्रेड फाउंड, और बगल में ग्रीन कलर का आइकन आ गया, मतलब कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और सारी एप्स आपकी ओके हैं। अगर इसमें कोई भी ऐप का इशू आएगा तो आपको बता देगा और आपको उस ऐप को अनइंस्टॉल कर देना है, नहीं तो आपको उसको उससे कोई भी दिक्कत हो सकती है। आप देखेंगे अब ये पूरी तरह से ग्रीन आ गया, और वापस अगर आप यहाँ पर देखेंगे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाके तो अब वो बता देगा लुक्स गुड, जो कि पहले एरर दे रहा था अब आपको बता दिया है पूरी तरह से लुक गुड। और आप चाहें तो यहाँ से आप स्कैन भी करेंगे तो एक एक चीज वो खुद ही स्कैन करके बता देगा और लुक गुड, मतलब अब कोई भी दिक्कत नहीं है आपके मोबाइल में। तो यह आपको करना चाहिए हर मंथ या फिर वीकली कर लो तो ज्यादा बेस्ट है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको अपने मोबाइल में करते रहना चाहिए, इससे पहले भी बता चुका हूँ अभी भी बता रहा हूँ आपको करते रहना। एक चीज और करना चाहिए साथ में, आप यहाँ जाएं थ्री डॉट्स पे, यहाँ जाएं अबाउट डिवाइस केयर में, डिवाइस केयर में जाने के बाद अपने डिवाइस केयर को हमेशा अपडेट रखें और इसकी सिक्योरिटी को भी अपडेट करें। ये सिक्योरिटी को इंडिविजुअल जाके आपको अपडेट करना पड़ता है, वो डायरेक्ट अपडेट नहीं होती है, मतलब कि अगर ऐप अपडेट होगा ऐसा नहीं कि वो अपडेट हो जाएगी, जैसे कि यहाँ बता रहा है लेटेस्ट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, अगर नहीं होता तो अपडेट बता देता, तो इस तरीके से ये काम करता है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी नए अपडेट्स के लिए, नए टिप्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू दोस्तों। तो उसने उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी है तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।